तो स्वागत है आप सबका। आज हम लड़कियों के नखरों के ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे। जो लड़कियां वैसी नहीं है प्लीज बात को दिल पे ना ले, वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओ पे। अब अगर कोई चीज सच में क्यूट है तो ओ बोलो, को बोलो, पो बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन लड़कियों को हर एक चीज में ओ को घुसड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऑफिस से घर आ गए, आज कितना मेहनत किया तुमने, ओ। अब ये ओ को सुन के वो बंदा मुस्कुराता तो है, लेकिन आपको मालूम है उसके दिल में क्या चलता है। वो सोचता है मैं इतना मेहनत करके घर पे आया हूँ, तेरा ये ओ छोड़, मुझे पानी के बारे में पूछ, दिन भर बस गाय की जैसे हो हो करते जाना है, चूतिया कही की। अब आते हैं शॉपिंग पे। लड़कियां तो थोड़ा ज्यादा शॉपिंग करती ही है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुसीबत तो तब आता है जब लड़कियां आपको हेल्प मांगती है। तो मुसीबत ये है कि वो आपके पास 3 नेल पेंट लाएगी और बोलेगी प्लीज हेल्प मी चूज वन। तो आप जब उसको ध्यान से देखोगे, आप देखोगे कि तीनों के तीनों कलर तो लाल ही है, इसमें क्या हेल्प करना। ये जब आप उसको बोलोगे, वो बोलेगी नहीं, एक लाल है, एक एप्पल वाला लाल है, एक मरून लाल है, एक ये लाल है, एक वो लाल है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि बचपन से हम लड़के लाल को लाल ही देखते हैं, एप्पल का लाल हो या किसी का भी लाल हो। अभी उधर कंफ्यूजन, और आपने अगर इस सिचुएशन में उसको हेल्प नहीं किया तो बस झगड़ा चालू। वो सीधा करेगी, बोलेगी मैं आपसे हेल्प मांगती ही नहीं हूँ, एक जगह हेल्प मांगा और आपने ये किया मेरे साथ। अब उसको मनाने के लिए जहाँ एक नेल पेंट से काम हो जाता था, अब उसको एक लेगिंस और एक टॉप भी खरीद के देना पड़ेगा, वाह। अब आते हैं नए नए शब्द पे। अब आप जब रिलेशन में जाओगे, आप ये सोच के जाओगे एक बंदी पट गई, अब मुझे मिलेगा क्या, मिलेगा वो आपको मालूम है। लेकिन रिलेशन में जाने के बाद आपको नए नए शब्द सुनने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेले बाबू ने थाना थाया, मेला बाबू छो गया क्या, मेले बाबू ने पोती किया, ओ मेरे बाबू ने पोती किया, वाह। अब जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, अपने छोटे भाई पे जो नीचे लटक रहा है उस पे हाथ रख के बोलो क्या आपको ये सुन के मजा आता है। जिसने भी हाँ बोला वो साला हवस का पुजारी है, वो छेद के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं झगड़े पे। झगड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो झगड़े के बाद शुरू होता है, क्योंकि झगड़े के बाद लड़की जो भी बोलती है उसके 2 से 3 मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बंदी के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि क्या मैं अपने दोस्त के पार्टी में जाओ, वो बोलेगी हाँ जाओ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जाओ, उसका मतलब ये है कि आप उसके साथ रहो और उसको मनाओ, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है कि आप ये करो, इसलिए वो बोलेगी आप जाओ, वाह। आप अगर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जाते हैं, जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचेंगे आपको एक आवाज आएगा, हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो तुम्हारा दोस्त ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ ना। तो वो बंदा सोचेगा इस औरत ने 2 से 3 मिनट पहले मुझे बोला था कि तुम जा सकते हो, अब इसको क्या हुआ। तो वो बंदा जाएगा उस लड़की के पास और बोलेगा कि क्या हुआ, तुमने तो बोला था ना जाने के लिए। तो वो लड़की बोलेगी हाँ मैंने जाने के लिए बोला था, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझते हो, तुम तो बदल चुके हो। तो आप सोचोगे जो तेरा मतलब है वो सीधे सीधे बोलना बहन, क्यों ऐसे लटकाती है मुझे। और अगर बाय मिस्टेकली आप उस लड़की से बातों में जीत रहे हो तो उस लड़की का ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, वो रोने लगेगी। अब हम लड़कों का दिल अच्छा होता है, उससे ज्यादा हम हवस के पुजारी होते, इसलिए उसका रोना धोना देख के हम हार मान ही जाते हैं। तो इस वीडियो से आप क्या समझे, आप बाहर जितने भी सवा शेर हो, जितने भी 30 मार खान हो, एक बार अगर लड़की अपने औकात पे आ गई आपको हार मानना ही पड़ेगा। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। और लड़कियां प्लीज बुरा मत मानो यार, पापी पेट के लिए कर रहा हूं। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूं, हम फेसबुक पे भी आ चुके हैं, प्लीज आप हमें उधर भी फॉलो कीजिए, ओह कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।